IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है स। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम स से सांप की सच्चाई। अरे नकली सांप किसके पास है? नकली सांप से डराएंगे, बड़ा मजा आएगा। मेरे पास। नमस्ते बच्चों। नमस्ते। ए ये लो। अरे 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 सांप, हटा हटा उसे, हटा। भैया नकली सांप से डर गए। भैया तो डर गए। भैया तो डर गए। भैया बड़े नकली सांप था। अच्छा अच्छा, शैतानी कर रहे थे है ना, आप समझा। भैया तो डर गए। तो ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें सांप की ही कहानी सुनाऊंगा। वाह सांप की। बिल्कुल हाँ। तो बच्चों आज का मेरा अक्षर है स और कहानी है स से सांप की सच्चाई। सांप की सच्चाई। भैया पहले सुनाओ तो। सुना रहा हूँ भाई, सुना रहा हूँ। बच्चों साजिद और सलमा भाई बहन थे। एक दिन सवेरे दोनों सब्जी लेने गए। सब्जी लाते हैं। अरे वाह क्या बात है। सा से सब्जी, सा से सब्जी। ये सा से सूर्य, सा से सूर्य, सा से सूरज, सा से सूरज, क्या बात है। ये सा से सवेरा, सा से सवेरा। सुनाओ। अरे सुनाता हूँ सुनाता हूँ। सुनो बच्चों, तो फिर जब वो बाजार गए तो उन्होंने देखा कि एक सपेरा बीन बजा बजा के सांप को नचा रहा है। सांप को झूमता हुआ देखकर सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। भैया हमारे घर के पास ना एक सांप था, वो उसको नचा रहा था। बेटा सांप नचा रहा था किसको? सपेरे को नचा रहा था। सपेरा आके सांप को नचा रहा था। अरे वाह क्या बात है, तब तो बड़ा मजा आ रहा होगा। सासे सपेरा, सासे सांप। भैया सासे सर्दी, सासे सर्दी, सासे सास, सासे सास। और तुम यहाँ बैठो मेरे पास। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आगे सुनाऊं कहानी। तो बच्चों जब सपेरे का खेल खत्म हुआ तो लोगों ने सपेरे को पैसे दिए। फिर सपेरे ने सांप को वापस टोकरी में डाल दिया और कहा अब सांप सोएगा। तो बच्चों सा से सपेरा सा से ससुर सा से समोसा, सा से संतरा, सेब, क्या बात है। तो बच्चों हो जाए ऐसी बात, जोरदार ताली। क्या बात, क्या बात। फिर बच्चों सपेरे ने एक सुराही भर दूध लिया और कहा ये दूध मैं सांप को पिलाऊंगा। बच्चों एक आदमी ने सपेरे को सेब दिए तो सपेरे ने सांप की नाक पर सेब लगाया और कहा ये क्या, मेरे सांप ने नाक से सूंघ कर बता दिया कि ये सेब सड़े हुए हैं, दूसरे सेब ला कर दो, जाओ। तो बच्चों सा से सड़े, सड़े, सा से सर्कस, सा से सड़क, सा से सुअर, सा से सूंघना। हाँ तो सुनो बच्चों आगे क्या हुआ। तो बच्चों सलमा और साजिद ये सब देख रहे थे, तब उन्होंने सोचा अब तो लोगों को सांप की सच्चाई बतानी ही पड़ेगी, क्यों सलमा? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कहते हो भाईजान, बिल्कुल सही कहा तुमने भैया। तो बच्चों तब साजिद और सलमा ने लोगों से कहा सुनो 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 भाइयों, हमारी बात सुनो, हम आपको बताते हैं कि सांप की सच्चाई क्या है। सुनो भाइयों, सांप चबाता नहीं है,
उसके दांत नहीं होते। हाँ, वो अपना खाना साबुत ही खाता है। और सपेरे भैया ने एक सुराही भरकर दूध लिया है, लेकिन सांप तो दूध पीता ही नहीं है। सांप को अगर जबरदस्ती दूध पिलाओगे तो वो मर भी सकता है। हाँ, इसीलिए तो सांप की सेहत को दूध नहीं सुहाता। हाँ, समझ गए तुम लोग? हाँ, समझ गए। हाँ साजिद भैया, पहली बार सुना है, इतनी अच्छी जानकारी दी इन्होंने। हाँ, हम भी समझ गए। खूब खुश रहो सलमा और साजिद, खूब खुश रहो। तो बच्चों, सुहाता। वाह शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी बात पर हो जाए जोरदार ताली। भैया आगे क्या हुआ? हाँ, भैया तो सुनो तो सही, आगे क्या हुआ बच्चों? फिर साजिद और सलमा ने लोगों को आगे बताया। सुनो भाइयों, सांप के तो कान ही नहीं होते, वो कुछ भी नहीं सुन सकता, इसीलिए तो बीन की आवाज भी वो नहीं सुन पाता। और हम समझते हैं कि सांप झूम रहा है, लेकिन सांप को सपेरा बीन से डराता है। सांप डरकर बीन को मारने की कोशिश करता है, और हम समझते हैं कि सांप झूम रहा है, नाच रहा है, है? भाइयों, सच बात तो ये है कि सपेरा उसे सताता है। समझ गए? भैया ये तो बहुत बुरी बात है। सांप को तंग नहीं करना चाहिए, हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए। हाँ, तो बच्चों, स से सताता, स से सलमा, स से सोना। फिर पता क्या हुआ भैया, बताओ? फिर साजिद और सलमा ने लोगों को बताया, भाइयों, सांप नाक से नहीं सूंघता, वो तो जीभ से, जीभ को हवा में हिलाकर घुमाकर सूंघने का काम करता है। तो नाक से सेब सूंघने की बात बिल्कुल गलत है। और क्योंकि सांप के पैर नहीं होते, तो वो अपनी मांसपेशियों की मदद से रेंगता हुआ, सरसराता हुआ चलता है। समझ गए? हाँ समझ गए। हाँ साजिद, हाँ सलमा, हम अच्छी तरह समझ गए तुम्हारी बात। भैया हाँ। मुझे भी पता है कि सांप दूध नहीं पीता। अच्छा, अरे वाह क्या बात है, मैंने किताब में पढ़ा है। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, तो अब लोगों को भी सांप की सच्चाई समझ में आ गई। सपेरे ने भी अपनी गलती मान ली, अपनी भूल स्वीकार कर ली, और सपेरे ने अब सांप को जंगल में छोड़ दिया। सांप तो बचा। हाँ, सांप तो बच गया। अब वो अपने साथियों से मिलेगा। और साथ ही साथ वो अपने मम्मी पापा से भी मिलेगा, है ना? अब वो अपने जंगल में खेलेगा, जंगल में खेले कूदेगा अपने दोस्तों के साथ। भैया वो अपने भाई बहन से मिलेगा। हाँ बहुत सही बताया, बहुत सही, शाबाश। अपने साथियों से मिलेगा, दोस्त से मिलेगा, अपने मम्मी पापा से मिलेगा, खूब खेलेगा कूदेगा। हाँ तो बच्चों, अब सपेरा बिना सांप के ही सुंदर बड़ी ही अच्छी धुन बीन पर बजाता है। अब वो धोखेबाज नहीं रहा, बल्कि बहुत बड़ा कलाकार बन गया है, और कलाकारी से धन कमाने लग गया है। अब पता है क्या करता है? अब वो स्टेज पे भी बजाता है। अब वो स्टेज पर क्या बजाता है? बीन। बीन बजाता है, शाबाश। और पता है, बहुत दूर दूर से लोग उसकी बीन सुनने के लिए आते हैं। वो फंक्शन में भी बजाता है, शादी समारोह में बजाता है, दिवाली पे बजाता है, शाबाश। यानी अपनी बीन से वो सबका मन मोह लेता है। हाँ तो बच्चों, बिना सांप के अब भी सपेरा सुंदर बीन बजाता है और सबका दिल बहलाता है। जब हुआ सवेरा वहां सांप को नचा रहा था।
के बीन सपेरा, बजा के बीन सपेरा। संगीत सुना तो सांप ने सर घुमाया, पैसा ले लोगों से टोकरी में फिर सांप सुलाया। सबसे सुंदर सा संगीत सुना और सांप सुलाया। लिया दूध भी भर के सुराही, कहा मैं सांप को दूंगा। सुन लो भाई, सांप सपेरे की सच्चाई फिर सबको समझाई। सासे सुन सब सांप सपेरे सच्चाई समझाई। सांप सदा साबुत ही खाता, भोजन नहीं चबाता। सांप दूध नहीं पीता, उसकी सेहत को न सुहाता। सांप के कान नहीं होते, वो बीन नहीं सुन पाता। हम समझे वो झूमे पर सपेरा उसे सताता। पेशियों से ही चलता, रेंगता सर सराता। सासे होता सांप सूंघता, सासे सर सराता। सासे होता सांप सूंघता, सासे सर सराता। तो सब लोगों ने खूब समझ ली की सच्चाई। अब तो सपेरे को भी अपनी भूल समझ में आई। अब नहीं धोखा कलाकार से, अब वो धन कमाता। बिना सांप के अब भी सपेरा सुंदर बीन बजाता। सांप की सच्चाई। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार लवीश, नमन, निशांत, चारू, नीरू, मौलिक, हृदय, सोफिया, महमूद, हरियक्ष और सुमंत, संगीतकार हरभजन सिंह, बीन वादक अनुराग रस्तोगी, गायन स्वर नेहा, रक्षित, आभा, मेघा, खुशबू, ममता और आरुषि, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम, आलेख, गीत निर्माण, निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।